इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रही वाडिया ग्रुप की ओनरशिप वाली गो फर्स्ट एयरलाइन एक टाइम पर अच्छे ऑफर्स के चलते लोगों की फेवरेट चॉइस थी। रोजाना करीब 185 उड़ानों का संचालन करने वाली गो फर्स्ट दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई है और कंपनी ने 3, 4 और 5 मई के लिए अपनी सभी उड़ानों को रद्द कर दिया है। कंपनी ने NCLT में वॉलेंट्री इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स के लिए एप्लीकेशन भी दी है। गोफर्स ने कहा कि उनके पास ना तो तेल है और ना ही पैसा। कंपनी के पास तेल कंपनियों का बकाया चुकाने तक का पैसा नहीं है, तो सवाल ये आता है कि आखिर क्यों गोफर्स हुई बैंक्रप्ट? नकदी संकट से जूझ रही एयरलाइंस ने अमेरिकी इंजन कंपनी को इसके लिए दोषी ठहराया है। एयरलाइन ने कहा कि उनके बेड़े के 50% विमानों का परिचालन ठप रहा क्योंकि उन्हें अमेरिकी फर्म प्रैट एंड विटनी से ऑर्डर के मुताबिक इंजन नहीं मिले। एयरलाइन कंपनी ने इंजनों की आपूर्ति में बाधा और विफल हो रहे इंजनों को कारण बताया है। गोफर्स एयरलाइन ने कहा कि अमेरिका की PNW इंटरनेशनल एरो इंजन की आपूर्तियों में लगातार दिक्कतें आती रही। PNW को 27 अप्रैल 2023 तक कम से कम 10 स्पेयर लीज्ड इंजन और 10 और इंजन देने को कहा गया था, लेकिन इस ऑर्डर को पूरा नहीं किया गया, जिसका असर गोफर्स की कमाई पर पड़ा है। विमानों का संचालन नहीं हो सका और कंपनी की ओर से मिल रहे खराब इंजनों और वक्त पर सप्लाई ना होने के कारण गोफर्स के 50% विमान ही ग्राउंड पर रहे। साथ ही एयरलाइंस के मैनेजमेंट में लगातार हो रहे बदलाव भी कंपनी की खराब होती हालत के जिम्मेदार हैं। जहां गोफर्स के पास 61 विमान हैं, उसके मुकाबले इंडिगो के पास 310 विमान हैं, तो कंपटीशन में वो काफी पीछे है। गोफर्स में करीब 5,000 कर्मचारी काम करते हैं। इस वर्ष जनवरी में गोफर्स की बाजार हिस्सेदारी 8.4% थी, जो मार्च में घटकर 6.9% रह गई। कंपनी के CEO कौशिक खोना ने ऐलान किया कि कंपनी दिवालिया हो गई है और आगे की प्रक्रिया के लिए आवेदन किया गया है। कंपनी के हितों की रक्षा के लिए ऐसा किया जाना जरूरी था।